संयुक्त राष्ट्र के 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, जहां 35.6 करोड़ आबादी युवाओं की है। किसी भी देश की तरक्की काफी हद तक वहां के युवाओं को मिलने वाले रोजगार पर निर्भर करती है। इसीलिए बेरोजगारी के खिलाफ दिग्रस तहसील में भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन आज हजारों युवकों की उपस्थिति में किया गया। राष्ट्रव्यापी बेरोजगारी के विरोध में यवतमाल जिले के दिग्रस तालुका में शुरू हुए आंदोलन की रूपरेखा कुल 3 चरणों में विभाजित की गई थी। आंदोलन का पहला चरण देशव्यापी धरना प्रदर्शन 27 अप्रैल को बड़ी सफलता के साथ पूरा हुआ, तो वही दूसरा चरण 10 मई को 31 राज्य 550 जिलों में आयोजित किया जाएगा। इस चरण में भारत के बेरोजगार वर्ग के माध्यम से थाली पीट कर EVM के माध्यम से चुनी गई नाजायज सरकार का निषेध किया जाएगा, क्योंकि भारतीय बेरोजगार का मानना है कि यह सरकार SC ST OBC NT DNT VJNT मराठा SBC MBC और माइनर टीम के संवैधानिक हकों को चोट पहुंचा रही है। वही तीसरे चरण में राज्य निहाय रैली प्रदर्शन किया जाएगा। यह राज्य निहाय रैलियां विद्यार्थी, युवक और बेरोजगारों के समर्थन में भारत के 31 राज्यों में एक ही दिन एक ही समय निकाली जाएगी। भारतीय बेरोजगारी मोर्चा राष्ट्रव्यापी संगठना का कहना है, EVM में हुए घोटालों की वजह से चुनी गई NDA और UPA की सरकार युवकों, बेरोजगारों व विद्यार्थियों से छल कर रही है। इसलिए भारत के तमाम विद्यार्थियों, युवकों और बेरोजगारों को इन सरकारों के खिलाफ आवाज उठाने का और आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया गया। भारतीय बेरोजगार मोर्चा अंतर्गत बेरोजगारों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन या देशामध्ये 31 राज्यांमध्ये 550 जिल्ह्यांमध्ये भारतीय बेरोजगाराच्या माध्यमातून हे चरणबद्ध आंदोलन सुरू केलेलं आहे। आणि प्रथम चरण देशव्यापी धरना प्रदर्शन आज दिग्रस शहरामध्ये 27 एप्रिल 2022 झालेलं आहे। आज या देशामध्ये सुशिक्षित बेरोजगाराची संख्या इतकी वाढलेली आहे की सांगायचं काम नाही आहे। या देशामध्ये स्वतंत्र देशामध्ये 15.5 करोड युवकांनी होती बेरोजगार आहे, त्या माध्यमातून आज या देशामध्ये या सर्वच तमाम सुशिक्षित बेरोजगारांना न्याय हक्कासाठी, त्यांच्या रोजगारासाठी आज या दिग्रस शहरामध्ये हे चरणबद्ध आंदोलन आज तुमच्या शहरामध्ये आहे। विद्वान केवटे, भारतीय बेरोजगार मोर्चा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र तथा भारतीय विद्यार्थी व बेरोजगार मोर्चा दक्षिण भारत प्रभारी साथियो, आज या ठिकाणी भारतीय बेरोजगार मोर्चाच्या माध्यमातून या राष्ट्रव्यापी संघटनेच्या माध्यमातून भारतातील 31 राज्य, 567 जिल्हे, 5000 तालुके एवढ्या जागेवरती भारतीय बेरोजगार मोर्चा या बामसेफ भारत मुक्ती मोर्चा प्रणित राष्ट्रव्यापी बेरोजगार संघटनेच्या माध्यमातून राष्ट्रव्यापी बेरोजगारीच्या विरोधामध्ये आंदोलनाचं आगाज करण्यात आलेलं होतं। आणि त्या अंतर्गत आपल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस तहसील येथे या आंदोलनाला इथे सुरुवात झालेली आहे, सफलतापूर्वक हे आंदोलन होत आहे। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।